नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 15 जनवरी 2019 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर मिल जाएगा। और बाई लेवल और सेल लेवल और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 EMA स्ट्रेटेजी, इनसाइड द बार फिबोनाची लेवल स्ट्रेटेजी जो मैंने रेगुलर देखा था वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारा स्ट्रैटेजीज और कुछ टेक्निक आप लोग को, चार्ट का सेटअप आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो आप ये इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो बाइसल लेवल का स्किनर का कैसे स्क्रीनिंग कर सकता है, क्या क्या इसमें क्या क्या है, कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, उसका भी आप लोग को लेवल इसमें मिल जाएगा, उसका भी वीडियो आप लोग जो उसमें मिल जाएगा वो वीडियो अभी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें निफ्टी बाय निफ्टी का भी लेवल देता हूँ और वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, तो वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए निफ्टी 50 का जो चार्ट मैंने ओपन किया हूँ, तो देखिए मैंने ये जो 8 तारीख में इसका जो बुलिश रिवर्सल हुआ था, आप लोग मेरा 8 तारीख में जो निफ्टी बैंक निफ्टी डायरेक्शन दिया था उसमें इसमें फाइल चेक कर सकता है। इसमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न मेरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने जो इसमें बनाया है, इधर बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखाया था, इधर जो बुलिश रिवर्सल जो है आप लोग देख सकते हैं, इधर उसमें आप लोग को वो वीडियो आप लोग चेक कर सकता है। तो इसमें मैंने बोला था कि ये बुलिश रिवर्सल हुआ था, तो इसमें बुलिश रिवर्सल रियल मार्केट में हुआ था, तो और कन्वेंशनल एकदम परफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन बुलिश रिवर्सल जरूर दिया था। तो इधर उसके बाद देखिए इधर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, अभी भी आज का ऊपर भी गया है। तो इधर इसमें सपोर्ट इधर थोड़ा सा ब्रेक किया था, इधर जो इसका रेजिस्टेंस था 382 का लेवल, इसका रेजिस्टेंस था ये 300, उसके बाद वो थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक हो गया, वो मतलब नीचे क्लोजिंग दिया, रेजिस्टेंस का नीचे क्लोजिंग दिया। इसके ये रेजिस्टेंस जब क्रॉस होगा ये 400 का ऊपर जा सकता है, 444, उसके बाद जब फिबोनाची एक्सटेंशन 552 का लेवल है, इतना दूर, लेकिन इस स्पैरी में जाने का ये मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका जो बाद में बताऊंगा, मैंने ऑप्शन चेंज जब एनालिसिस करूँगा तो बाद में बताऊँगा। और नीचे जब आएगा तो इधर ये सपोर्ट लेगा 12,200 में, इसका सपोर्ट लेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 12,200 में ये सपोर्ट लेगा, उसके बाद 12,150, उसके बाद 12,000 में ये सपोर्ट लेगा। तो देखते हैं इसमें, और थोड़ा सा अभी भी अप ट्रेंड में ही रखता है, ये अप ट्रेंड में ही बना है, अप ट्रेंड में थोड़ा सा चला गया है, अप ट्रेंड में अभी तक जारी है अप ट्रेंड में इसका, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसका जरूर आएगा, तो वो बाद में बताता हूँ मैंने। और निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक का जो निफ्टी बैंक का इधर भी वो 8 तारीख में बुलिश रिवर्सल बना था, उसके बाद अभी थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न आप लोग इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा ये किसको बोल सकता है, थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न जैसा बना है, तो इसका हाई जब तोड़ेगा, इस कैंडल का जो हाई तोड़ेगा मतलब 32,347 जब तोड़ेगा तो इधर तक आ सकता है, 32,500 का आसपास आ सकता है। और इसका लो तो 31,953 का लेवल ये नीचे आएगा तो ये नीचे जाएगा। तो इसका जो फ्लैग पैटर्न से उसका मतलब इधर आप लोग देख सकता है, मैंने इस कैंडल से देखूंगा तो इधर ऊपर जाने के बाद ये थोड़ा सा तीन कैंडल देखिए आप लोग कंटिन्यूसली लोअर हाई एंड लोअर लो बना है, इधर आप लोग इसको फ्लैग पैटर्न बोल सकता है। तो इधर ये देखिए इसका पिवट पॉइंट में ये इधर पिवट पॉइंट है, इधर 31,900 में इसका 931 या 31,940 में इसका
सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ये 31,778, उसके बाद 31,624, उसके बाद 31,462 तक इसका सपोर्ट है। तो ये भी नीचे ही इसमें एक्सपायरी थोड़ा सा नीचे क्लोज होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इधर मैंने अभी बोलूँगा कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करके निफ्टी क्यों इसको इधर निफ्टी को क्यों नीचे जाने का बहुत ही है। देखिए इधर पीसीआर जो रेशियो है आप लोग देख सकते हैं, इधर पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट जब बेचता है ओपन इंटरेस्ट जब इधर जो पुट का ओपन इंटरेस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का सॉरी ओपन इंटरेस्ट जो है, तो इसका जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1.85 हो गया है। तो ये एक्चुअली 1.50 इसका थ्रेशोल्ड अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट क्रॉस करके बहुत ही ऊपर चला गया है। तो इधर 12,500 में इसका नया रेजिस्टेंस बना है और इधर 12,400 में तो रेजिस्टेंस है ही, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर 12,300 में इसका सपोर्ट बना है। तो इसको अभी कंसोलिडेशन होना ही चाहिए, 1.85 1.9 लगता ही है, 12,400 थोड़ा सा ऊपर क्रॉस करके ये नीचे कंसोलिडेट करेगा, 12,000 थोड़ा सा 400 को मार्जिनली क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर, नहीं तो इधर से ही है नीचे कंसोलिडेशन होके आएगा, नीचे जाएगा थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, तो 3,350 के आसपास और 300 के नीचे भी जा सकता है। तो इधर निफ्टी का इधर बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन देखूँगा, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है इसमें पीसीआर रेशियो 0.95 है। तो इधर थोड़ा सा नीचे ही है, एक के नीचे ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है, 32,500 में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये आपका शॉर्ट बिल्डअप हो गया है और इधर 31,500 लॉन्ग बिल्डअप इसका, इधर 31,500 में इसका लॉन्ग बिल्डअप हुआ सॉरी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर सपोर्ट बना है और इधर दोनों साइड में ही इधर आई भी थोड़ा सा बड़ा है, आई भी दोनों साइड में ही बड़ा है, तो वोलेटिलिटी थोड़ा सा इधर मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। और बैंक निफ्टी जब थोड़ा सा नीचे आएगा तो निफ्टी को भी नीचे लेकर आएगा, ये थोड़ा सा लगता है। और इसका जो प्रोबेबिलिटी देखूँगा तो इसका प्रोबेबिलिटी 12,300 के देखिए आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 12,300 इस एक्सपायरी में, दो दिन का एक्सपायरी में, और 31,500 के प्रॉबर्टी बहुत ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन जाने का प्रॉबर्टी बहुत ही कम है। तो आप लोग ये जो सेल ऑन हाई राइस जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही करने का मौका है। और जो आप लोग को इसका जो पिवट पॉइंट है, इसका जो आप लोग को पिवट पॉइंट इसका दिखाने का कोशिश करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का रात में दिखा देता हूँ आप लोग को, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट और फिबोनाची पिवट पॉइंट आप लोग दोनों इधर से चेक कर सकता है, तो वो भी आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। इधर देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है, ये निफ्टी और फ्यूचर का इंडेक्स है, इसका स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप लोग इधर से नोट कर सकते हैं, ये R1, R2, R3, R1, S1, S2, S3। और इधर जो फिबोनाची का जो पिवट पॉइंट है वो इधर इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मिलेगा आप लोग को, वन डे का हिसाब से इसका जो पिवट पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये देखिए वन डे का हिसाब से इधर देखिए अंडे का हिसाब से इसका ये पिवट पॉइंट है और इधर बाई का लेवल है और ये सेल का लेवल है पिवट पॉइंट का हिसाब से। तो आप लोग को जो मैंने स्टॉक्स में बार बार बोलता हूँ और बीच बीच में पहले भी मेरा अलग से वीडियो भी बनाया था, तो स्टॉक्स में आप लोग को क्या करना है या निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो ऐसे करने नहीं पाएंगे,
फर्स्टली कोई भी मोस्टली NR4 NR7 का जो कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी हैमर कोई भी सॉरी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी स्ट्रेटेजी NR4 NR7